हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम हाइपरलिंक के बारे में। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है, हम किसी भी फाइल को अपने एक्सेल की सीट पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा हुआ एग्जैक्ट की फाइल, अब मेरे को यहाँ से सीट टू या सीट थ्री पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूंगा और देखिए क्या होगा, सीट थ्री पे मैं पहुंच गया क्योंकि मैंने सीट थ्री यहाँ पे लिंक की हुई, तो मैं सीट थ्री पे पहुंच गया। जैसे इस पे वन पे जाऊंगा, अब मैं कहूँगा अनदर फाइल, अगर मेरे को और कोई फाइल खोलनी है तो मैंने यहाँ पे एक फाइल अटैच की हुई है तो ये कही दूसरी फाइल देखो खुल जाएगी। देखिए हुआ जीएसटी कैलकुलेट फार्मूला क्या हुई, मेरी दूसरी फाइल थी, मैं इसको यहाँ पे अटैच कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, अब मेरे को फिर उसी सीट पे आना, तो उस सीट पे जाऊंगा, देखिए सीट पे आ गया। फिर मैं अब क्या हो रहा है, वेब पेज, अगर मेरे को यूट्यूब या गूगल खोलना है तो उसका आप यहाँ पे वेब पेज डालेंगे और उस पर क्लिक कर दे, क्या होगा आपका वेब पेज खुल जाएगा। देखिए क्या है, मेरे यूट्यूब का इसमें मैंने URL डाला हुआ है, तो ये क्या यूट्यूब खुल गया। यहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च मारेंगे, जैसे मैंने सॉन्ग डाल दिया, देखिए क्या हो गया, सर्च मार के आ गया दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अब क्या ना, वीडियोस, अगर आपके लैपटॉप में कोई वीडियोस आप चाहते हो उसको बार बार मैं इसमें क्लिक करूँ यहीं पे देख लूँ एक्सेल पे काम करते हुए वर्क करते टाइम। ठीक, तो आप क्या करेंगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वीडियो क्या होगी चल जाएगी। देखिए देखिए चल गई वीडियो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं क्रिएट न्यू फाइल, अगर आप चाहते हैं कि एक न्यू फाइल आपके काम करते करते आपके एक और न्यू फाइल चाहिए, तो आप इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल आपको जनरेट हो जाएगी। और देखिए ये मैंने क्या हुआ, एक न्यू फाइल ऑलरेडी जनरेट की हुई है। आज इस वीडियो में हम ये सारा कुछ सीखेंगे, कैसे न्यू फाइल हम बनाते हैं, कैसे हम यूट्यूब या गूगल को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम वीडियो अपनी एक चला सकते हैं हाइपरलिंक की मदद से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों देखिए हम चलते हैं एक दूसरी सीट पर। देखिए ये सीट है, ठीक, अब हमें क्या यहाँ चाहिए, हम पे एग्जैक्ट फाइल मतलब इसी फाइल मतलब दूसरी सीट पे मेरे को अटैच करना है। जैसे ये सीट टू है और ये सीट वन है, इस सीट को मेरे को इसमें क्या करना है, अटैच करना है सीट टू। तो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक, राइट क्लिक करते ही देखिए हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है लिंक, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो ऐसे ही हमारे पास ये पॉपअप खुलाएगा। ठीक, पॉपअप खुलने के बाद क्या करना है, हमें प्लेस दिस डॉक्यूमेंट इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप सीट के नाम आ जाएंगे, सीट वन सीट टू, हमें कौन सीट चाहिए, सीट टू चाहिए। सीट टू हमने क्लिक किया, सिलेक्ट करी और ओके कर दिया। ठीक, ओके करते ही क्या हो, देखिए इसका क्या हो, कलर चेंज हो गया। अब जैसे हम ओके करेंगे और सीट टू पे हम पहुंच जाएंगे, सीट टू पे पहुँच गए। अब ये कहाँ पे आ रही, ये कर्जर सेल को किसके ए को सिलेक्ट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे शो हो सेल, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए फिर दोबारा इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक, एडिट हाइपर लिंक के बाद देखिए हमने सीट टू सिलेक्ट कर लिया। ठीक, और यहाँ पे डाला ए वन सेल डाला, अब चाहो बी टू सेल डाल दो या बी फोर सेल डाल दो। ठीक, और इसको क्या करेंगे आप, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, बी फोर पे आ गया। देखिए बी और ये फोर पहले कहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था ए वन पे। ठीक है दोस्तों, ठीक आगे बढ़ते हैं। अब हमें अनदर फाइल, कोई और फाइल हमें यहाँ पे अटैच करनी है, मान लो काम करते करते मेरे को दूसरी फाइल भी खोलनी है और क्या करना है, हमें फाइल पता नहीं तो हम इस पर क्या करें, क्लिक करें और हमारी वो फाइल खुल जाए। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं जिस फाइल की जो आपकी फाइल है नेम है। ठीक, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हाइपर लिंक पे, ठीक लिंक आ गई, और इस पर क्या करना है मेरे को अनदर फाइल चाहिए, तो क्या एग्जैक्टिक फाइल पर हम वेब पेज पर इस पर क्लिक करेंगे और तो हमारे ये यहाँ पर ड्राइव खुलाएगी लैपटॉप की, आपके डेस्कटॉप। ठीक, आपको किस में है, कौन सी ड्राइव में, मेरे डी ड्राइव में फोल्डर जो मेरे को सिलेक्ट करना। ठीक, मैंने जैसे मान लो कोई सी भी एक अटेंडेंस सीट है, ये सीट मेरे को क्या करना है, अटैच करना है। ठीक, मैंने ओके किया और अटेंडेंस सीट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए अटैच कर दिया। ठीक, ये अटैच हो गई अटेंडेंस सीट। अब जैसे मैं इस पर क्लिक मारूंगा तो हमारी अटेंडेंस सीट क्या होगी, खुल जाएगी। देखिए क्या हुआ, अटेंडेंस सीट हमारी ओपन हो गई दोस्तों। ठीक है, ये अटेंडेंस सीट हमारी ओपन हो गई, क्लिक करते ही। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमें कहना है वेब पेज, एक कोई हमें वेब पेज अपना इसमें खोलना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारा या गूगल ओपन हो जाए या हमारा यूट्यूब या एनी अदर आपका कोई वेब पेज है वो आपका ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पर कर्जर सेल सेलेक्ट करेंगे ये वाला। ठीक, इसको राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे ओके करेंगे, अब क्या जाएंगे हम इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टिंग। ठीक, और यहाँ क्या जाएंगे, ब्राउजर पेज। ठीक, ब्राउजर पेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या ब्राउजर के नेम आ जाएंगे, हमें इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना, अगर आपको है कोई तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना हमें यहाँ पे दूसरा डाल देंगे, जैसे www.google
www.arabjante.com और इसको क्या करेंगे आप ओके कर देंगे। अगर आपको कोई वेब पेज आपको इस पर डालना तो उसका पूरा URL लिखना पड़ेगा तभी वो क्लिक होगा। अगर आपने पूरा URL नहीं लिखा तो वो क्लिक नहीं होगा। उस देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा क्या होगा, गूगल का क्रोम खुल के आ गया। देखिए आ गया, आप कोई भी चीज़ सर्च मार सकते हो, एक्सेल लिख लो, एक्सेल PDF लिखा हुआ, कुछ भी सर्च मारो तो इस पर क्या होगा सर्च ले रहा है दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं अपने इस फाइल पे। वीडियोस, जैसे आपको कोई वीडियोस क्लिक करनी है, आपको फेवरेट गाना है वो आपको कहीं अंदर से जाना और इस पर क्लिक करना है तो उस गाने को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो वीडियोस को। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा और क्या करना है हमें डॉक्यूमेंट्स की जगह हमें वीडियोस पे सिलेक्ट करना है। ठीक, तो ये हमारी वीडियोस हैं, इसमें हमें कोई सॉन्ग सिलेक्ट करना है। देखिए ये सॉन्ग है, जैसे मैंने पहले दूसरा था, अभी आज दूसरा है, इसमें कोई सा मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए देखिए इसको मैंने ओके किया। ठीक, अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करें तो ये आपका गाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका पॉपअप हो सकता है, आपके में ना आए, मेरे में आ रहा है, वार्निंग है। देखिए चल रही वीडियो। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अब सपोज कि दोस्तों आप एक इस सीट पे काम करते करते आपको न्यू सीट एक बनानी पड़ गई, तो न्यू सीट के लिए क्या लिखा है हमने, क्रिएट न्यू फाइल। न्यू फाइल पे क्या करेंगे हम, इस पर क्लिक करेंगे, लिंक पे वही क्लिक करेंगे हम। ठीक, लिंक पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या हमें नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, आपके न्यू डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सेल वर्क 2024। ठीक, अब लिख रहा है एग्जिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर या एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, नो हमें इसको सिर्फ बनाना है अभी नहीं करना। ठीक, तो उसके करेंगे हम ओके कर देंगे और ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पे बन गई होगी जहाँ पे हमने इसको सेव किया हुआ है। देख लें एक बार डेस्कटॉप में, इसमें आगे अंदर से होगी, एक मिनट, हमने इस फाइल को ये नहीं देखा कहाँ पे बननी है। ठीक है, एक बार ओके करते हैं। देखिए एक्सेल URL 2024 डॉक्यूमेंट में ये सेव है। ठीक है, तो हमें डॉक्यूमेंट में ना करके हम इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, और इसको कहते हैं ओके कर देते हैं। देखिए न्यू फाइल खुल रही है हमारी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया क्या हुआ, हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई। देखिए हो गई न्यू फाइल ओपन हमारी। आशा करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हाइपरलिंक के बारे में पता चल गया होगा कि हम हाइपरलिंक को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।